सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि पहला फ्लेवर जो हमारे पास है वो है बुफेलो विंग्स, ठीक है। आई थिंक हनी या कुछ ऐसा मीठा सा कुछ सॉस टाइप का नजर आ रहा है, अभी मैं पहचान नहीं पा रही उसमें। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं हम सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आपके कौन से लग शुक्र ठीक ठाक है और लौट आए हैं अनदर रिव्यू वीडियो के साथ। सो दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 18 पे, और कहां मौजूद है तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोग देख ही रहे होंगे। जी हाँ, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं केएफसी पे, लेकिन ये जो केएफसी है ना, ये ना मॉल के अंदर बना हुआ है और इस मॉल का नेम है मेगा मॉल। बड़ा कोई खूबसूरत किस्म का ये केएफसी इन्होंने बनाया है और न्यूली ओपन है, मतलब अभी इसको कुछ डेज ही हुए या कुछ मंथ ही हुए हैं। तो हमने कहा चलो यहाँ भी जाया जाए, छापा मारा जाए कि यहाँ की सर्विसेज कैसी है। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको कुछ अलग आज ट्राई करवाऊंगी, तो पहले तो मैं आपको यहाँ का जो है ना एम्बियंस चेक कराती हूँ, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। तो आ जाओ दोस्तों, चलो उधर। हम लोग ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, ठीक है। एम्बियंस जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी, काफी अच्छा और बहुत ही बड़ा, मतलब इन्होंने ये आउटलेट बनाया हुआ है, काफी मतलब अच्छी खासी स्पेस है। आप किसी की पार्टी वार्टी करना चाहते हो बहुत इजीली कर सकते हैं और खूबसूरत भी काफी है। बात तो सही है, कहते हैं ना कि काफी खर्चा किया है तो उस हिसाब से वसूलेंगे भी। ये मतलब आपको अच्छा, तो बात करते हैं आज के मेन्यू पे। लेकिन दोस्तों, पहले ही मैं आपको केएफसी का ब्लॉग दिखा चुकी हूं और उसमें इनके बर्गर्स वगैरह और चिकन विकन ऑलरेडी आप लोग को दिखा चुकी हूं और रिव्यू दे चुकी हूं। जब हम लोग केएफसी आते हैं ना, तो यहाँ पे जो है ना, मतलब जब आप इनका मेन्यू देखते हैं तो इनमें विंग्स वगैरह भी आ रहे होते हैं और काफी अलग अलग किस्म के विंग्स होते हैं। तो फटाफट से कैमरा करीब लाया जाए। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि पहला फ्लेवर जो हमारे पास है वो है बुफेलो विंग्स, ठीक है। और मेरा जो है मोस्ट फेवरेट है, अभी तक मैंने सिर्फ यही ट्राई किया, दूसरे मैंने ट्राई किए भी नहीं। 9 पीसेस इसके अंदर होते हैं और इसके प्राइस दोस्तों आपको बता दूं 580। अब हम सेकंड में आते हैं, सेकंड जो है ना इनका ये है कुछ टैंगी फ्लेवर। अच्छा, ये लुक वाइज काफी खतरनाक किस्म का लग रहा है दोस्तों। इसमें भी 9 पीसेस ही हैं, ठीक है, और इसकी प्राइस भी 580 ही है। अच्छा, आफ्टर दैट हम आते हैं स्वीट हाई पे, ये कुछ इस तरह का इसका लुक है, ठीक है, और इसकी प्राइस भी 580 है और 9 पीसेस हैं। तो दोस्तों स्टार्ट लेते हैं, लेकिन आज तो ये करना बनता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर 80 90 पूरे 100। ओह, जितना ज्यादा खतरनाक लग रहा था उसी पे जो है ना, मतलब 100 आया है। चलो खा के बताते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओहो, ये कुछ इस तरह का लुक है, काफी मैसी सा लग रहा है। बारबेक्यू सॉस लग रहा है मेरे ख्याल में और कुछ मसाला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Not bad, actually good. लेकिन बताऊँ इसमें क्या है, बारबी की सॉस होता है मीठा, ठीक है समरिया, और इन्होंने अपना डाला है देसी चाट मसाला। तो आप टेस्ट तसव्वुर कर सकते हैं, यानी चिकन में चाट मसाला डाल के खा रहे हैं हम लोग। अच्छा है, नॉट बैड। जिनको बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद लेकिन उनको थोड़ा चटपटा खाना भी होता है तो उनके लिए बेस्ट है। लेकिन बहुत अच्छी टेंडर हुई चिकन है, क्रिस्प बहुत अच्छा है इसका। अगर केएफसी सर्विसेज सही देना तो केएफसी की चिकन ना ये है। दूसरे पे आते हैं, ठीक है, ये है ना स्वीट थाई। इसको खाते में ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मीठी चीजें ना मुझे पसंद नहीं है। जिस तरह का नाम दिया हुआ है स्वीट थाई, तो भाई मीठा मीठा ना हो। चलो खाते हैं। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह का इसका लुक है, ठीक है। आई थिंक हनी या कुछ ऐसा मीठा सा कुछ सॉस टाइप का नजर आ रहा है, अभी मैं पहचान नहीं पा रही उसमें। इसमें डर रखता हूँ, तो ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं पसंद, जिनको नेचुरल फ्लेवर चाहिए। मीठा बोला हुआ है लेकिन मतलब स्वीट था ये, लेकिन ऐसा कोई मीठा नहीं है। अपनी जगह यार ये भी मजेदार है, नॉट बैड यार। केएफसी जो है ना कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करता। हमारा पाकिस्तान का तो एटलीस्ट बहुत लाइट सी मिठास है, बेसिकली बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है, कमाल है। चलो आप आते हैं अपने फेवरेट वाले की तरफ। यार ये जो है मेरा बहुत फेवरेट है, जब भी यहाँ पे आती है ना, मतलब ये खाए वगैरह नहीं जाती, मुझे बहुत पसंद है। अपने ऑर्डर के साथ ये साइड आइटम ये जरूर मंगाती हूँ। ओहो, और काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अपीलिंग सा लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है ना चिली फ्लेक्स होती है, स्पाइसी सा सॉस होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत ही मजेदार होता है यार चिकन तो इनकी। यार मतलब तो कोई सी भी चीज़ उठा लो ना, कोई भी पीस डालो, सबकी चिकन है ना बहुत अच्छी टेंडर जूसी है। क्रिस्प यार लाजवाब। हालांकि आज इस सॉस में ना थोड़ा सा इन्होंने हल्का हाथ रखा है, ये सॉस और होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यार। सो दोस्तों, मैंने आपको तीनों फ्लेवर के हवाले से बता दिया, ठीक है।
तीनों के टेस्ट बता दिए हैं, प्राइस तीनों के सेम है 580। अच्छा कहते हैं जब भी कोई जंग होती है या जब भी कोई रेस होती है तो एक जनों वो विनर होता है, वैसे देखें ये जो तीन फ्लेवर इन्होंने बनाए ना तीन टेस्ट के हिसाब से बनाए, यानी हर तरह के लोग होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद होता है तो उनके लिए ये है, किसी को बिल्कुल भी स्पाइसी पसंद नहीं होता उनके लिए ये है, जिनको नॉर्मल स्पाइसी चाहिए होता है खट्टा टाइप का चाहिए होता है उनके लिए ये है। लेकिन मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट जो है ना वो बुफेलो विंग्स है यार, इसका मुकाबला जो है ना कोई भी नहीं कर सकता सीरियसली, ये जो लिटरली बहुत ही कोई मजे का है। बाकी ये दोनों भी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। विनर गोज़ टू बुफेलो विंग्स। सो या ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, नए रिव्यू के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।